आई एम इन फुकेट राइट नाउ. यस, आज सुबह ही मैं फुकेट आ गया था, बट सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी और कल रात मैं एकदम सोया नहीं था तो बहुत थका हुआ था, इसीलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं की सुबह सुबह. बट मैं आपको बता देता हूँ कैसे मैं फुकेट आया. मैं आपने अगर पिछला व्लॉग देखा होगा तो मैं खाओसान रोड बैंकॉक में था. सो खाओसान रोड पे आई मेट टू फ्रेंड्स ऑफ माइंड फ्रॉम इंडिया जो मुझे फुकेट में ज्वाइन करने वाले थे. सो आई मेट देम एंड वी टुक अ कैब फ्रॉम खाओसान रोड टू द फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और एयरपोर्ट से हम लोगों का आज 9:30 का फ्लाइट था सुबह सुबह. सो वी रीच्ड फुकेट इन द मॉर्निंग और अभी हम लोग रुके लवडी होटल में. लवडी इज़ अ होटल कम हॉस्टल. यहाँ पे आपको प्राइवेट रूम भी मिलेगा और हॉस्टल डॉर्म्स भी मिलेगा और ये बीच के एकदम 200 मीटर के डिस्टेंस पे है. सो वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द बीच एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. मेरे दोस्त अभी तक सो रहे हैं तो मैं खुद ही चल पड़ा बीच की तरफ, पटोंग बीच की तरफ. तो जाके आपको दिखाता हूँ. सो आई जस्ट मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज स्टेइंग इन द सेम रूम. सो वी आर शेयरिंग द सेम रूम. सो ही वॉज गोइंग डाउन टू द बीच सो आई डिसाइडेड टू गो डाउन विथ हिम. व्हेन डज द सन सेट ओवर हियर? 6:40. Yeah. So, ये बीच का पहला लुक. दिस इज शिप. पीछे एक शिप दिख रहा है मुझे, पता नहीं आपको कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं. The sun is still out. It's almost 6. Sorry, it's almost 5:30, but the sun is still out. Yeah. काफी ज़्यादा crowd है अभी. As you can see, beach काफी बड़ा है, काफी लंबा beach है. वहाँ से दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक वहाँ पर end होता है और अभी काफी crowd है. But this is a good beach to swim. और काफ़ी लोग अभी स्विम कर रहे हैं. वाटर स्पोर्ट्स भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जेट स्की एंड ऑल. सो ये ओवरऑल बहुत अच्छा वाइब है. तो डेफिनेटली आप आ सकते हो यहाँ पे. और अगर आप पटोंग के सामने रुक रहे हो तो यहाँ पे चिल करने के लिए बहुत सही जगह है. वहाँ पे पैरासेलिंग भी हो रहा है देयर. सो या ओवरऑल इट्स अ होलसम बीच. आप स्विम भी कर सकते हो, वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हो या और जस्ट हैव अ बियर एंड चिल. सबके लिए कुछ ना कुछ करने को है इस बीच पे. सो फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ द फेमस बांग्ला रोड, फुकेट का वॉकिंग स्ट्रीट, द मेन पार्टी स्ट्रीट ऑफ फुकेट. हियर इट इज फुकेट बांग्ला रोड. सो आई गेस दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द बांग्ला रोड, दैट इज द फेमस पार्टी स्ट्रीट ऑफ फुकेट. बट यहाँ पे बांग्ला रोड अभी नहीं लिखा हुआ है, वेलकम टू पटोंग बीच फुकेट थाईलैंड लिखा हुआ है. आई गेस यही है बांग्ला रोड, मोस्ट प्रोबेबली विल स्टिल कन्फर्म. आई एम विथ माई फ्रेंड्स, दिस इज आद्रिका, से हाई हेलो. हाई हेलो जो भी बोलना बोलो. एंड दिस इज रोहित. रोहित शेट्टी नहीं है, ये रोहित है, सिंपली रोहित. आद्रिका शो अस आवर योर मूव्स. That's it. This is your. What are you wearing? I'm wearing this lovely green dress. So she's wearing a lovely green dress. Okay. Let's go to Bangla Road. Chalo. So we have just entered the famous Bangla Road. और आपको यहाँ का शाम का माहौल दिखाता हूँ मैं लाइव. फिर से रात को आएंगे हम लोग पार्टी करने के लिए, बट इट्स 7 PM राइट नाउ. लाइव माहौल देख लीजिए यहाँ का. आई टर्न अराउंड द कैमरा एंड शो इट टू यू लाइव.
पिंक पैराडाइज। Just at the mid point of the Bangla Road, there is a food street जहाँ पे line से street food लगा हुआ है, stalls लगे हुए हैं और आप यहाँ पे बैठ के खा भी सकते हो और यहाँ पे line से street food लगा हुआ है, यहाँ से street food कुछ भी purchase कीजिए, procure कीजिए और यहाँ पे बैठ के आप उसे खा सकते हो। Lobsters. How much for this one? 3,000 baht. 3,000. So we have got some food out here. We have got a pork satay platter, this one, and one mixed fried platter which has some shrimp steak, cheese shrimp donuts, and one this one is what? Shrimp. Yeah.
हम लोग पटोंग बीच से गए थे कल के लिए टूर बुक करने, तो मैंने कल के लिए यहाँ का जो फेमस जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर है वो बुक कर लिया है। पर पर्सन 1500 चार्ज कर रहे हैं वो लोग बिग बोट के लिए। तो तीन टाइप के ऑप्शन होते हैं एक्चुअली, लॉन्ग टेल बोट होता है, बिग बोट होता है और लग्जरी बोट भी होता है, स्पीड बोट भी होता है। तो मैंने बिग बोट ऑप्ट किया है, तो इट कॉस्टेड अस 1500 पर पर्सन। सो आज के लिए गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। सामने पटोंग बीच है, पता नहीं कैमरा में अभी नहीं दिख रहा होगा, बट दिस इज़ द बीच, दैट्स बांग्ला रोड एंड वी आर जस्ट वॉकिंग बाय द बीच। अभी हम लोग थोड़ा और शायद पार्टी करेंगे, अगर करते हैं मैं ब्लॉग में ज़रूर डालूंगा, अदरवाइज विल सी यू टुमारो। अगर ब्लॉग को आपने यहाँ तक देख लिया है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और फॉलो करते रहिए। ये ट्रैवल सीरीज़ अभी चलेगा, इसके बाद मैं और भी कंट्रीज़ जाने वाला हूँ यहाँ से, जो आपको बाद में दिखेगा। सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम। हमको भी चलाना चाहिए कैनोई, चप्पू चलाना चाहिए हमको भी। सामने की आ रहा है, दिस इज अमेजिंग। ओ दिस इज सो रिलैक्सिंग गाइस, दिस इज अमेजिंग। Rohit, I love you. How are you? How are you feeling, man? Light. You did. Hey. Hello.